नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स के क्लास जो चल रहे हैं, तो इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को जो है समझने का प्रयास किया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण तथा आर्थिक विकास या अल्प विकास के जो है कारण क्या रहे हैं उसको जो है देखेंगे। तो इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर्गत ये देखा था कि आर्थिक समृद्धि जो है यह परिमाणात्मक होता है और आर्थिक जो विकास होता है ये गुणात्मक होता है, और आर्थिक विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है। तो इसी से हम लोग जो है जोड़ करके आर्थिक विकास को ही विभिन्न देशों और व्यक्ति के संदर्भ में अध्ययन करने का जो प्रयास करेंगे। तो आर्थिक विकास को जो है प्रभावित करने वाले जो है कारकों को हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें हम लोग आज के इस लेक्चर में दो चीजें जो है देखेंगे, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन कारकों को दो भागों में जो है बांटकर हम लोग देख सकते हैं, एक जो है आर्थिक कारक है और दूसरा जो है गैर आर्थिक कारक। तो आर्थिक विकास को, यद्यपि यह टॉपिक जो है अवधारणात्मक है और इससे संबंधित विभिन्न शब्दों और शब्दावलियों और धारणाओं को सुनते सुनते आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बेहतर जानकारी होगी, जिससे विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में आपको मदद मिलेगा। तो एक आर्थिक कारक हो गया और एक गैर आर्थिक कारक हो गया। तो आर्थिक कारकों को अगर हम एक तरीके से जो है एक तरफ से लिखना जो है शुरू करें, तो इसमें जो है एक है जो है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है इसी से जुड़ा जैसे मानवीय संसाधन, तीसरा है पूंजी निर्माण या पूंजी कह सकते हैं, चौथा है तकनीक, पांचवा है पूंजी उत्पाद अनुपात। अभी हम इसमें जो भी टफ जो है पॉइंट्स लग रहे हैं इसको भी जो है व्याख्या करेंगे, जो है विश्लेषित करेंगे। पूंजी उत्पाद अनुपात जैसे यही है, तो इसी को भी हम आपको बताते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात हो गया, अवसंरचनात्मक ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, अवसंरचनात्मक ढांचा। साथ हो गया वित्तीय स्थिरता, और अगला है नियोजन। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो आर्थिक जो है श्रेणी में आते हैं और ये किसी भी देश की जो है आर्थिक विकास को जो है प्रभावित करते हैं। और दूसरा जो गैर आर्थिक कारक है, इसमें किसी देश की जो है सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक और धार्मिक कारण भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये जो है तीन बातें जो है गैर आर्थिक जो है कारकों के अंतर्गत आती हैं, जो किसी भी देश के जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करने का काम करते हैं। प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य जो प्रकृति पदार्थ है जिसे व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसके अंतर्गत किसी देश में जो जल संसाधनों को शामिल किया जा सकता है। अगर हम ईंधन के क्षेत्र में देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, जो कि आज की डेट में जो विकास के जो है मार्ग पर जो है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारक होता है। इसी के तरीके से धातुओं के अंतर्गत लौह अयस्क जो है, क्योंकि ये भी औद्योगिकरण का आधार है, और विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे जो है इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का किसी देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है यदि उसका पूंजी और तकनीक के माध्यम से प्रयोग किया जाए। यद्यपि अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो जापान एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन उसने जो है अपने तकनीक और पूंजी के आधार पर जो है इतना
विकास किया हुआ है कि वो दूसरे देश से जो है इसका आयात भी करता है और इसके बाद जो है अपना विकास आगे बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है पूंजी और तकनीक भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि किसी देश के साथ ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है तो उसके प्रयोग के द्वारा जो है विकास को जो सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। मानवीय संसाधन, क्योंकि किसी भी जो है उद्योग में कोई भी प्राकृतिक संसाधन स्वतः जो है उपयोग में नहीं आ सकता, उसको गतिशील करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानवीय संसाधन कुशल होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान से दक्ष होना चाहिए, तभी वह जो है कम समय में अधिक और गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सफल होगा। भारत सहित दुनिया के जो है विकासशील देशों में जनसंख्या तो है, लेकिन वह कुशल जनसंख्या की श्रेणी में नहीं है। इसी कारण से जो है यहाँ पे विकास की उच्च स्तर को अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो कहीं ना कहीं मानवीय संसाधन भी जो है उसको प्रभावित करते हैं। पूंजी निर्माण इसको समझने की आवश्यकता। पूंजी निर्माण का तात्पर्य यह है, पूंजी निर्माण से तात्पर्य जो है किसी भी व्यक्ति के आय से जो भी बचत होती है उसका उत्पादन और सेवाओं में निवेश करना ही जो है पूंजी कहलाता है, पूंजी की स्थिति में जो है आता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी रोजगार में होता है तो आय से जो है अगर मान के चलिए प्रति माह जो है उसे 50,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और वह जो है 30,000 रुपये खर्च कर रहा है तो 20,000 रुपये उसके जो है बचत की श्रेणी में जाता है। और जब इसी को ही जो है बचत कहा जाता है जो उसके आवश्यक खर्चों के बाद जो है बचता है। और जब इसे यह जो है उद्योगों में या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में लगाता है तो उसका बचत जो है वो पूंजी कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भी देश में जो पूंजी का निर्माण होना जो बहुत आवश्यक है, और पूंजी का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ किस स्तर पर संचालित हो रही हैं, कार्यरत हैं, और वहाँ लोगों के रोजगार का क्या स्तर है। तो इस तरीके से पूंजी निर्माण की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, जैसे किसी भी देश में अगर तकनीक का विकास होता है तो वहाँ पर व्यक्ति को मैनुअल या मानव के द्वारा कार्य करने के स्थान पर तकनीक के द्वारा किया जाता है, जिससे कम समय में ज़्यादा जो है उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का जो है उत्पादन होना संभव हो पाता है। तकनीकों के माध्यम से काम आसान होता है, कम समय में होता है, कम समय में ज़्यादा होता है, ज़्यादा गुणवत्ता का होता है, आकर्षक होता है। तो ऐसी स्थिति में तकनीक का किसी देश के जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है होती है। विकसित देशों में पूंजी और जो है तकनीकी, ये दोनों ही जो है कारक अपने उच्च स्तर पर पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का बेहतर ढंग से जो उपयोग सुनिश्चित कर पाते हैं। और जब पूंजी और तकनीक के साथ जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का बेहतर और संतुलित उपयोग होता है तो कोई भी देश विकास के उच्च स्तर पर अपने आप पहुंच जाता है। इसलिए तकनीक का होना आवश्यक। पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब यह है कि पूंजी और उत्पाद में जो है क्या अनुपात है। अगर जो है किसी भी कंपनी या इकाई के अंतर्गत जो है वस्तु की एक यूनिट के उत्पादन करने में जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसे ही पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। अगर कोई साइकिल उद्योग है उसमें एक साइकिल के उत्पादन करने में जितनी पूंजी लगती है वही उस कंपनी में जो है पूंजी उत्पाद अनुपात है। और इसे जो है हमेशा कम होना चाहिए। कम होने का तात्पर्य है कि एक साइकिल उत्पादन करने में जो है अगर ज़्यादा पूंजी लग रहा है तो पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में उद्योग के लिए जो है वो लाभदायक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका कम होना चाहिए, यानी कि वस्तु के उत्पादन में कम पूंजी लगे तभी वह उद्योग और देश जो है आगे बढ़ सकेगा। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब हो गया कि एक इकाई के उत्पादन में आने वाले पूंजी के जो है खर्च के अनुपात को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात भी जो है वो दो तरीके के होता है, औसत पूंजी उत्पाद अनुपात और वर्धमान औसत पूंजी उत्पाद अनुपात और वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। औसत का तात्पर्य है जो किसी इकाई यूनिट या जो है किसी कंपनी के अंतर्गत जो है कुल उत्पादन और कुल पूंजी के बीच के अनुपात को औसत पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। जबकि किसी कंपनी के अंतर्गत एक अतिरिक्त जो है इकाई के उत्पादन में जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसके अनुपात को वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात जो है कहा जाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो जैसे मान के चलिए कि कोई भी कंपनी जो है प्रतिदिन जो है 100 साइकिल का भी हमने उदाहरण दिया तो 100 साइकिल का उत्पादन कर रही है, लेकिन अगर वहां पे एक साइकिल का उत्पादन और बढ़ाना हो यानी कि 101 साइकिल,
तो 100 साइकिल पर जो पूंजी खर्च हो रही है, जब 101 साइकिल का उत्पादन करना होगा तो निश्चित तौर पर वहां पे पूंजी बढ़ जाएगी। तो 101वां साइकिल का उत्पादन करने में जो पूंजी बढ़ेगी उसे ही वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात कहा जाता है। तो कहने का मतलब पूंजी उत्पादन अनुपात हमेशा जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन विकसित और विकासशील देशों में ज़्यादा होता है। अभी हम जब कारण को पढ़ेंगे तो इसमें जो है ये चीज़ समझ में आएगा आप लोगों को। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे है अवसंरचनात्मक ढांचा। अवसंरचनात्मक ढांचा किसी भी देश के विकास के लिए जो है एक आधारभूत या जो है बहुत ही मौलिक कारक होता है। इसके अंतर्गत जो है विकास को जो है विस्तृत करने के लिए और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है आवश्यक समझा जाता है। इसके अंतर्गत जो सड़कें हैं, रेलवे लाइन है और इसी तरीके से जो है बंदरगाह हैं, इन सभी को जो है अवसंरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है। स्कूल अगर है वहाँ पे शिक्षा के लिए जो है स्कूल बनाए जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। विभिन्न प्रकार के कार्यों और सेवाओं को जो है संचालित करने के लिए उच्च स्तरीय हाईटेक जो है हमारे ऑफिसेज हैं वो भी आपके अवसंरचनात्मक ढांचे आ रहे हैं। चिकित्सा सेवाओं को पहुँचाने के लिए अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इन सभी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूंजी की जो है निवेश पूंजी का होता है। तो ये सभी चीज़ें अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहलाती हैं। किसी भी देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी भी विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति जो है कम है, लेकिन अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो एडवांस जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पे भी है, और दुनिया के जो है विकसित देशों में चाहे वो यूरोपियन कंट्री के देशों या अगर एशिया में जो है जापान की बात किया जाए तो वहाँ पे ये जो अपने उच्च स्तर पर पाई जाती है, और इसी के माध्यम से सेवाओं को भी जो कहीं ना कहीं लोगों को दिया जाता है। तो ये चीज़ें अवसंरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत आती हैं। ये भी किसी देश के जो विकास को प्रभावित करती हैं। वित्तीय स्थिरता, यह बहुत ही आवश्यक स्थिति है वित्तीय स्थिरता, क्योंकि जब वित्तीय स्थिरता होती है तब उसी समय जो है न केवल देश बल्कि विदेशों से भी जो है निवेश आकर्षित होता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि यदि हम ऐसी स्थिति में जो है निवेश करते हैं तो हमारे जो है निवेश से जो है आउटपुट जो है प्राप्त होने की जो है ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए भारत में जब देखा जाए तो 90 के दशक में, 80 के दशक में जब भी भारत में अस्थिरता की स्थिति रही है या राजनीतिक अस्थिरता भी रही है, तो उस समय जो है कहीं ना कहीं जो है भारत में विकास जो है प्रभावित हुआ है, निवेश की जो कम स्थिति रही है। तो इसलिए जो है वित्तीय स्थिरता का होना आवश्यक है। नियोजन, नियोजन एक ऐसी अवधारणा है जो किसी भी देश में विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए तथा प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को व्यवस्थित ढंग से एक प्लान के तहत प्रयोग करने के जो है आधार प्रदान करता है। तो नियोजन से तात्पर्य विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बनाई गई रणनीतियों के अंतर्गत जो है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना ही जो नियोजन कहलाता है। क्योंकि किसी भी देश में अगर प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है भी लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो ऐसे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, और जब प्रयोग नहीं होगा कुशलतापूर्वक तब उससे जो है कोई हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियोजन का होना आवश्यक है, और भारत में जो है नियोजन प्रारंभ से ही जो है स्वतंत्रता के बाद से शुरू कर लिया गया, और भारत में नियोजन की अवधारणा अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो रूस से जो है लिया गया है। तो नियोजन जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारण। तो हमने यहाँ पे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में जो है प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण तकनीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात है, अवसंरचनात्मक ढांचा है, वित्तीय स्थिरता और नियोजन को देखा। इसी तरीके से गैर आर्थिक कारक भी हैं। गैर आर्थिक कारकों में किन को शामिल किया जाता है? गैर आर्थिक कारकों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। कुछ अगर समाज की ऐसी संरचना है और ये मान लिया जाए, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल और मध्यकाल तक ये इस तरीके की बातें थी कि सामाजिक जो संरचना है उसमें कुछ स्वीकृत जो है व्यवसाय की गतिविधियाँ हैं और उन्हें ही उनको करना चाहिए, तो ये माना जा सकता है कि देश की आर्थिक गतिविधियाँ सीमित हो जाएंगी। और यदि किसी भी वर्ग के पास अन्य वर्ग के जो है आर्थिक गतिविधियों को करने की जो कुशलता प्राप्त होती है तो वहाँ पे वो नहीं हो पाता। इसलिए सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही उदार होना चाहिए। एक उदार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाता है। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक माहौल का तात्पर्य यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता से ही है। जब जब भी भारत में राजनीतिक स्थिरता रही तब हम विकास के जो है
कहीं ना कहीं उच्च स्तर को प्राप्त किए हैं यदि कोई प्राकृतिक आपदाएं उस समय न रही हो तो, क्योंकि अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो निश्चित तौर पर हम विकास के जो भी पहल करेंगे वो कहीं ना कहीं उन आपदाओं में जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक स्थिरता और विभिन्न प्रकार की जो है समस्याओं का ना होना भी जो है इस विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक बनता है। अगला जो है धार्मिक है, धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए बल्कि जो है एक स्वस्थ जो है धार्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें रूढ़िवादिता का जो है अभाव होना चाहिए और धार्मिक व्यवस्थाएं जो है उदार व्यवस्थाओं पर आधारित होना चाहिए। तो ये सभी जो है कारक कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले पहला कारक यानी कि आर्थिक कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गैर आर्थिक कारक भी जो प्रभावित करता है लेकिन आर्थिक कारक जो है प्रत्यक्ष रूप से इस व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो ये जो है व्यवस्था आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम इसी से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इसको, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारकों के बाद जो है अल्प विकास के कारण, क्योंकि जब हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को पढ़ते हैं तो ये चीजें निकल के सामने आते हैं कि एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जिन्हें तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है उनमें जो है तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है उनमें जो है विकास के उच्च स्तर को क्यों। अब अच्छा एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं, तीसरी दुनिया की बात जो है किस तरीके से आई। पूंजीवादी देश और दूसरा जो है वो समाजवादी देश और तीसरा जो है वो एशिया अफ्रीका यूम जो है लैटिन अमेरिका, एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जो है वो लैटिन अमेरिका के देश जो है आते हैं। तो एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी जो है कुल मिला करके अगर देखा जाए तो ये तीसरी दुनिया के देश जो है कहा जाता है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था सामाजिक और वैचारिक आधार पर देखा जाए तो पूंजीवादी और समाजवादी में जो बट गया और इसी से जो शीत युद्ध का भी जो है उदय होता है। तो ये पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के देश हो गए, इनसे बचे हुए देशों को हम तीसरी दुनिया के देशों में सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः इनकी विशेषता यह है कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है यहाँ पे लेकिन पूंजी और तकनीक नहीं होने के कारण से इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा, इसलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ये पूरी दुनिया से पीछे छूट गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तीसरी दुनिया के देश। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक अल्प विकास के कारण गरीबी के दुष्चर्य की अवधारणा का प्रतिपादन नर्टसे के द्वारा किया गया है, परीक्षा में पूछा भी गया है। इन्होंने कहा कि कोई भी देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यानी कि गरीब इसलिए है, वो गरीब है कि गरीबी का एक दुष्चक्र होता है कि कोई देश अगर जिसके जो है अगर गरीब है तो ये कहा जाता है कि उसका आय कम है, एक जो प्राथमिक जो उसकी क्राइटेरिया है प्राथमिक उसकी विशेषता है तो आय उसके पास जो है कम है और जब आय कम होगा तो उसके पास जो है बचत कम होगा और बचत कम होगा तो उसके पास उसको जो है निवेश कम होगा, तो निवेश जब कम होगा तो उत्पादन कम होगा, आय कम होगा और पुनः वही आय कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वो गरीबी की स्थिति बन जाएगी। तो अब इसको इस तरीके से जो है समझा जा सकता है, ये क्या हो गया, एक चक्र बन जाता है। ये जो है चक्र बन जाता है, इसी को गरीबी का दुष्चक्र जो है नर्टस के द्वारा जो है कहा गया है। इसीलिए जो है यह भी एक जो है कारक है कि कोई देश जो अगर गरीब है तो वह जो है बचत नहीं कर पाता, निवेश और आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर पर होती, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। और दूसरा जो कारण है पूंजीगत उद्योगों का अभाव, ये सभी कारक जो है पॉइंट वाइज हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, कई बार मिलान के लिए भी आते हैं, कूट के लिए भी आते हैं, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को समझना आवश्यक है। पूंजीगत उद्योगों का अभाव
औद्योगिकरण का निम्न स्तर और संरचनात्मक ढांचे की कमी। अभी हम लोगों ने इसके पूर्व में क्या देखा, और संरचनात्मक ढांचा इसको प्रभावित करता है। तो जब कमी है तो डेफिनेटली वो जो है इस तरीके के जो है रोल अदा करेगा और वहां पे कमी होगी। तो इस तरह ये सब कारक है पूंजीगत उद्योग है, औद्योगिकरण का निम्न स्तर है, और संरचनात्मक ढांचे की कमी है, और पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। अभी उसमें भी पढ़ा गया था पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा था पूंजी उत्पाद अनुपात प्रभावित करता, जब कारक में जो दो यहाँ पे जो है कांसेप्ट आप लोगों के लिए बन जाता है कि विकास को के कारण है, और इसके पूर्व में हम लोगों ने विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखा था। तो उसमें भी ये सारी चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आपके पास भी विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो सके। तो पूंजी उत्पाद जो है अनुपात का अधिक होना, इसी के साथ में और भी कारक हैं जैसे प्रदर्शन प्रभाव, ये बहुत बड़ा कारण है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव हो गया। अगला आ जाता है अनुत्पादक कार्य, अनुत्पादक कार्य, अनुत्पादक कार्य हो गया। इसी से जुड़ा हुआ कुछ और भी जो है अवधारणाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, राजकोषीय घाटा। अभी हम इसको थोड़ा सा विश्लेषित भी करेंगे, राजकोषीय घाटा और मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति। अब थोड़ा सा हम इनको देखने का प्रयास करते हैं। पूंजी गरीबी के दुष्चक्र को हम लोगों ने जो देख लिया कि नरसिंह के द्वारा ये विचारधारा प्रस्तुत की गई है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया। पूंजीगत जो है उद्योग, ऐसे उद्योगों का जो अभाव पाया जाता है जिसमें पूंजी पर्याप्त मात्रा में लगती है, किंतु पूंजी जहाँ पे लगती है वहाँ पे वह आय भी लेकर के आती है, इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों का कम का जो अभाव होता है। औद्योगिकरण का निम्न स्तर, औद्योगिकरण का निम्न स्तर की कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे उद्योग एकदम नहीं होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे उद्योग पाए जा सकते हैं लेकिन वह संतुलित औद्योगिकरण का स्तर नहीं होता है, इसीलिए उसे औद्योगिकरण का निम्न स्तर कहा जाता है। देश में जनसंख्या के अनुसार जितनी भी उनकी आवश्यकताएं होती उनसे संबंधित सभी उद्योगों का अभाव यहाँ पे पाया जाता है। जो अनुकूल स्थिति बनती है वही उद्योग यहाँ पे होते हैं, बाकी सब उद्योग यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो इन देशों में जो है जो उद्योग आसानी से स्थापित हो सकते हैं उन्हीं उद्योगों को स्थापित किया जाता है, बाकी पूंजी या तकनीक पर आधारित उद्योग जो है यहाँ पे कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है जब औद्योगिकरण का स्तर कम होगा तो वहाँ पर रोजगार प्राप्त नहीं होगा, आय नहीं होगा, बचत नहीं होगा, तो लोग जो है गरीब हो जाएंगे और आर्थिक विकास की जो निम्न स्थिति जो है बनी रहेगी। और संरचनात्मक ढांचा, इसके पूर्व में भी हमने बताया कि और संरचनात्मक ढांचे क्या होते हैं, और इसका अगर कमी है तो ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, अभी हमने बताया पूंजी उत्पाद अनुपात होता क्या है, और अगर अधिक है तो निश्चित तौर पर उसी वस्तु के उत्पादन में, जैसे एक वस्तु है मान लीजिए एक पेन है, पेन के उत्पादन में कहीं पर जो है 2 रुपए का खर्चा आ रहा है और कहीं पर जो 3 रुपए का, तो जो 3 रुपए का खर्चा आ रहा है तो वो कहा जाएगा पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है, यानी कि एक ही पेन के उत्पादन करने में ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और जबकि दूसरे देश में यह है कि उसको उत्पादित करने के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो उसकी लागत कम आएगी, उसका मूल्य कम होगा, तो इस तरीके से जो है वहाँ पे विकास की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना भी जो कहीं ना कहीं अल्प विकास का कारण बनता है। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के जीवन के लिए जो जरूरी है
या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उसके बजाय जो है किसी दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों को देख करके अनावश्यक रूप से अपने बराबरी का दर्जा देने के लिए जो है प्रदर्शन का प्रभाव करना कि जो है पड़ोसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है तो मेरे के द्वारा भी जो है ये काम किया जाना चाहिए, भले ही उसका व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने से कोई संबंध ना हो। तो ये चीज़ें कहलाती हैं प्रदर्शन प्रभाव। अनुत्पादक कार्य, मतलब ऐसे कार्य किया जाना जिससे कोई उत्पादन ना हो, जिससे कोई आय ना हो, ऐसे कार्यों को जो है उत्पादक अनुत्पादक कार्य कहा जाता है। और ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि खर्च तो इसमें लग ही रहा लेकिन व्यक्ति को कोई प्राप्ति जो है नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आता है। व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, भारत में जो शिक्षा की जो व्यवस्था रही है जो अंग्रेजों के काल से, वो इस आधार पर रही है कि यहाँ पे गैर जो व्यावसायिक शिक्षा जो है आदमी अपने स्तर पर जो लेता चला जाता है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा का अभाव के कारण से वो उत्पादन की गतिविधियों में अपना कोई विशेष भूमिका और रोल अदा नहीं कर पाता। अतः किसी देश में जो है विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रदान किया जाना आवश्यक और जरूरी होता है। व्यावसायिक शिक्षा से व्यक्ति में कम समय में किसी भी चीज़ को करने की क्षमता विकसित होती है, गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक मात्रा में भी जो उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का होना आवश्यक है। दूसरे तरफ जो है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? राजकोषीय घाटा क्योंकि यहाँ पे राजस्व खर्चे बढ़ जाते हैं। राजस्व खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जिससे व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होती है, पूंजीगत खर्चे ऐसे होते हैं जहां से सरकार को प्राप्ति होती है, इसीलिए राजकोषीय घाटा बढ़ता है। क्योंकि यहाँ इनके यहाँ पे जो है सुरक्षा के नाम पर खर्च करना होता है, पेंशन के नाम पर खर्च करना होता है, और इसी तरीके से सब्सिडी के नाम पर खर्च करना होता है, तो ये सारे खर्चे जो ऐसे होते हैं जिनसे सरकार को प्राप्ति नहीं होती है, और राजस्व खर्चे के बढ़ने के कारण से राजकोषीय घाटा होता है और विकास के लिए वहाँ पर बचत कम हो जाती है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य यह होता है कि वहाँ पर वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रा का मूल्य घटेगा यानी कि समान वस्तु और सेवा खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि जो है महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो मांग कम हो जाती है, और मांग जब कम होगी तो निश्चित तौर पर निवेश और उत्पादन की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, उसका निम्न स्तर हो जाएगा और लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होंगे, आय प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है ये देखा जाए कि जो ये सारे कारक हैं वो कहीं ना कहीं विकास अल्प विकास के जो है कारण बनते हैं। इसमें गरीबी का दुष्चक्र जो नरकृषि के द्वारा प्रस्तुत किया गया, पूंजीगत उद्योगों का अभाव, औद्योगिकरण का निम्न स्तर, अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी, पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना, प्रदर्शन प्रभाव, अनुत्पादक कार्य, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, राजकोषीय घाटा और मुद्रा स्फीति इसके लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है अल्प विकास के कारण और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जो है देखा। उम्मीद करता हूँ कि इससे इकोनॉमी के जो है इस टॉपिक के बारे में आपकी जो है एक बेहतर समझ जो है बनी और बढ़ी हुई होगी। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।